बच्चों, अब तक हमने संगणक यानी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, उसके अलग अलग प्रोग्राम एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ली। आज हम पावर पॉइंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पावर पॉइंट एक जबरदस्त और पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को इमेज एनिमेशन की सहायता से कोई भी विषय आसानी से समझा सकते हैं। आमतौर पे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अनेक मीटिंगों में उपयोग में होता है। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें टाइप टू सर्च में जाके पावर पॉइंट टाइप किया तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया, हमें बहुत सारी स्लाइड मिल जाती है। एक स्लाइड हमने चूज कर ली। इस प्रकार से हमें ये जो स्लाइड दिख रही है उसकी दूसरी स्लाइड हमें यहाँ पे दिख रही है। अभी यहाँ पे होम में देखेंगे तो हम यहाँ न्यू स्लाइड में जाके हमें दूसरी भी स्लाइड मिल सकती है। यहाँ पे लेआउट में हमें स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। रीसेट में जाके अगर हमें जो हमने काम किया है उसको हमें नहीं चाहिए, उसको वापस और वापस हमें वैसे ही स्लाइड चाहिए तो हम रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे अभी ये पिक्चर हमें ये स्लाइड में अगर कोई पिक्चर ऐड करना है तो पिक्चर में जाके कंप्यूटर में हमें पहले ही से ही फोल्डर बना के रखना पड़ता है। तो ये फोल्डर हम चूज़ करेंगे तो कहाँ पे भी हमारा फोल्डर है वो हम देख सकते हैं कि अपना फोल्डर कहाँ पे है और वो उसमें से हम लोग पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो ट्रांजेक्शन में हम जो स्लाइड बनाएंगे उसके अलग अलग वो किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होगा उसके हमें प्रकार दिख जाते हैं। एनिमेशन में हम एनिमेशन कर सकते हैं। स्लाइड शो में वो स्लाइड किस प्रकार से हमें स्लाइड शो करना है उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये हो गया पावर पॉइंट के बारे में जानकारी। अभी आज हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल के बारे में एक पीपीटी तैयार करेंगे। स्कूल में होने वाले विविध उपक्रम उसके बारे में पीपीटी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे तो हमें और बहुत सारे प्रकार की स्लाइड्स मिल जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत सारी स्लाइड्स मिल जाती है। तो हमें कोई भी एक स्लाइड चूज़ करेंगे। अभी ये स्लाइड चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे कर्सर दिख रहा है तो यहाँ पे हमें पहले जो चाहिए तो स्कूल नेम टाइप किया, फिर यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। यहाँ पे अभी हमें ये बीच में चाहिए या उसका हम लोग यहाँ पे ये भी हमें मिडल में लेना है। तो हमारी ये एक स्लाइड तो तैयार होगी। फिर हमें दूसरी स्लाइड लेने तो न्यू इसमें जाके फिर हम दूसरी स्लाइड लेंगे। इसमें फिर हमें हमारे स्कूल में पहले क्या हुआ तो वेलकम स्टूडेंट, जून में हम लोग स्कूल बच्चों का वेलकम करते हैं। तो फिर यहाँ मैंने जो कोई पिक्चर
फोल्डर में रखे हैं, तो मैंने डेस्कटॉप पे वो फोल्डर रखा है, उसमें स्कूल फोल्डर, उसका नाम मैंने स्कूल फोल्डर लिखा है। उसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों का क्या है, तो ये देखो एक चित्र मुझे मिला, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अभी यहाँ पे ये एक पेज तो मेरा हो गया, एक स्लाइड हो गई। अभी वापस मुझे दूसरी स्लाइड लेनी है, तो होम में जाके मैंने दूसरी स्लाइड ली, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अभी हमें देखना है हमें हमारे पास कौन-कौन से चित्र हैं। एक ये है जो हमें कप मिला था, तो ये पहले मैंने डाला, इसको थोड़ा पहले छोटा करके। अभी स्पोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे मैंने फिक्स किया, फिर दूसरा चित्र लिया। देखो यहाँ पे मैंने दूसरा चित्र इंसर्ट किया यहाँ पे, फिर इसको भी थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर दिया। अभी ये तीसरी स्लाइड ली मैंने, इसको पहले मैं डिलीट करती हूँ। यहाँ पे भी मुझे स्लाइड ही डालनी है स्पोर्ट्स की, इसके लिए यहाँ पे भी मैंने स्पोर्ट्स ही लिखा। फिर वापस इंसर्ट में गई, देखो यहाँ पे ये एक मुझे चित्र मिला। अभी अदर एक्टिविटीज़ के लिए फिर मैंने नई स्लाइड ली। उसमें पहले कला के लिए मैंने एक स्लाइड की, उसमें कोई बच्चों ने ड्राइंग में पार्ट लिया था, उनको जो अवार्ड मिला है उसका चित्र डाला है। म्यूजिक में जिनको प्राइज मिला है उनका चित्र डाला। फिर अभी मैंने दूसरी स्लाइड ली, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए
यहाँ पे जो कंपटीशन होती है उसके लिए उसका दो चित्र थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए। ये भी एक मैंने इंसर्ट किया इसमें। और हर बार इसे भी हमें अभी सेव करना है। अभी अदर एक्टिविटीज, इसके लिए मैंने फिर अभी दूसरी स्लाइड ली। अदर एक्टिविटी के लिए अदर एक्टिविटी के लिए वापस मैं दूसरे पिक्चर यहाँ पे अभी वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। उसके लिए जो हमने फोटोज निकाले थे उसका चित्र हम लोग इंसर्ट करेंगे। मैंने सेव कर दिया। अभी हमें अभी स्कूल की पिकनिक तो रह गई, तो उसके लिए मैंने दूसरी स्लाइड ली स्कूल पिकनिक के लिए। तो स्कूल पिकनिक के फोटोज डाले। इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटीज़ के हम फोटो स्लाइड में डाल के हमारे स्कूल की पीपीटी बना सकते हैं। अभी हमें इसको स्लाइड शो करना है, तो स्लाइड शो के लिए हमें देखना है कि उसका टाइम ऑटोमेटिक डालना है, ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। हमें रैंडम बार सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक सेकंड का टाइमिंग किया और मैंने उसको सेव किया।
अभी इसको डेस्कटॉप पे हमने सेव कर लिया। उसको नेम डाला और उसको डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। और अभी मुझे अगर स्लाइड शो करना है तो उसको मैं उसको मैंने सेव कर दिया। इस प्रकार से हम पीपीटी बना सकते हैं।